ख्वाजा नाजिमुद्दीन 19 जुलाई 1894 को बंगाल में पैदा हुए। वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की 25 रुकनी खुसूसी वर्किंग कमेटी का हिस्सा थे, जिसने करारदाद लाहौर का मुसव्वदा तैयार किया। 1943 से 1945 तक वो बंगाल के वजीर आजम रहे। 1948 में कायद आजम की वफात के बाद वो गवर्नर जनरल बने। 1951 में लियाकत अली खान की शहादत के बाद उन्होंने वजीर आजम का ओहदा संभाला। 22 अक्टूबर 1964 को उनका इंतकाल हुआ।